गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद फिर से एक नया व्लॉग में स्वागत है। तो आज एक नया जगह जाएंगे। मंदिर के अंदर आ गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। सो इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यह एक स्पिरिचुअल सोसाइटी है जिसका फाउंडेड किया है स्वामी प्रभुपदा जी ने 1966 में। इस संस्था का जो मेन पर्पस है स्पिरिचुअल नॉलेज देना सोसाइटी में, कृष्ण भगवान के बारे में लोगों को जागरूक करना। मंदिर का काम अभी चालू है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर दिखेगा। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे लोगों को इस्कॉन के बारे में पता चल रहा है यहाँ पर, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी भी कर रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं ताकि ये मंदिर जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। मंदिर में लगाई गई मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं पहली बार किसी राधा कृष्ण भगवान जी की मंदिर में आया हूँ। यह
बेसिकली जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग होते हैं वो ज़्यादातर ढोलक तबला बजा के चैंट करते हैं, कृष्ण भगवान जी का नाम लिया करते हैं, और ज़्यादातर आप देखोगे तो फॉरनर ही ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी आपको यहाँ पर। और एक जो आपको बार बार करना है ये कि हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपको ये बार बार रिपीट करना चाहिए, बहुत ही सुकून मिलेगा। मंदिर जाने के बाद थोड़ा सा मन किया कि बीच के पास आते हैं। ये बीच बहुत ही अच्छा बीच है, अच्छा लगा यहाँ पर आके। मंदिर में सुकून था, बीच के पास आए तो और भी ज़्यादा सुकून मिला।